subscribe to our channel and hit the bell icon ताकि आपको regularly educational updates मिलते रहें. Hello everybody, welcome back to my channel Educational Panacea. My name is Bhanu Pratap. So, आज काफी दिन बाद हम आपके साथ कंपनी लॉ का एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है शेयर एंड शेयर कैपिटल. तो शेयर एंड शेयर कैपिटल कंपनी लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये 8 से 10 नंबर में आपके सीए के या सीएस के एग्जाम्स में आता है और अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो ये आपके एग्जाम में कम से कम 10 नंबर का आता ही है. तो जरा जानते हैं कि ये वर्ड शेयर का मतलब क्या होता है. सेक्शन 2 क्लॉज 84 अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी. दैट मींस कि इन शॉर्ट अगर मैं आसान सी भाषा में बोलूं तो कंपनी की कैपिटल का वो सबसे छोटा हिस्सा आपका शेयर कहलाता है. दैट मींस कि जो सबसे सबसे छोटा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपकी कंपनी की कैपिटल का, आपकी कंपनी के शेयर कैपिटल का, तो वो आपका शेयर कहलाता है. जो शेयर और डिबेंचर्स हैं वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, शेयर और डिबेंचर्स आपकी कंपनी में ट्रांसफरेबल हैं मगर उसके जो ट्रांसफर के रूल्स हैं वो डिपेंड करते हैं आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कि आपकी कंपनी के जो AOA हैं उसमें क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके शेयर और डिबेंचर किस तरीके से ट्रांसफर होंगे. उसके बाद हर शेयर जो आप होल्ड करेंगे उसका एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा, पॉइंट नंबर वन. लेकिन ध्यान रखना जो शेयर्स डिपॉजिटरी सिस्टम में होते हैं, जो शेयर डिपॉजिटरी सिस्टम के थ्रू स्टोर होते हैं, मैं डिपॉजिटरी के बारे में आगे वीडियो बनाऊंगा एक स्पेसिफिक जिसमें मैं डिपॉजिटरी एक्ट के बारे में बताऊंगा आपको, उस केस में उसका एक डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, एक एक्सेप्शन है. अब बात करते हैं कि ये शेयर कैपिटल जो होती है कंपनी के अंदर ये कितने प्रकार की होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. तो सबसे पहले जो शेयर कैपिटल मेरे दिमाग में आया वो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सेक्शन 43 आप देख सकते हैं. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा कौन सा खास किस्म का कैपिटल है जो कंपनी इशू करती है. सबसे पहली बात, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दो फीचर्स लेके आता है अपने साथ. पहला, प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पॉइंट नंबर वन. दूसरा, प्रेफरेंशियल राइट एज टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. दैट मींस कि जब कभी भी कंपनी में शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिल रहा होगा, डिविडेंड होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जब कभी भी कंपनी में डिविडेंड बट रहा होगा तो सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर्स वालों को. दैट मींस दोज हु आर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल गेट देयर फर्स्ट शेयर ऑफ द डिविडेंड. सेकेंड पॉइंट, जब कभी भी कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही होगी, जब कभी भी कंपनी बंद हो रही होगी, तो उस केस में सबसे पहले रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की वापसी किसे मिलेगी, आपको मिलेगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को. दैट मींस ये खास फैसिलिटी आपको तब मिलती है जब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं. मगर इसके कुछ नुकसान भी हैं. पहला नुकसान कि दे आर जस्ट लाइक द आउटसाइडर्स टू द कंपनी, वी कैन नॉट से देम एज द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उनका जो मैनेजमेंट में से है, जो मैनेजमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की नहीं होती. वो जनरल मीटिंग अटेंड करेंगे, राइट टू वोट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट नहीं होती. वहीं जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके साथ ये एडवांटेज अटैच होकर आता है कि उनकी पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट होती है. बट इक्विटी शेयर में भी ये नुकसान है कि उनको डिविडेंड प्रेफरेंस के बाद मिलता है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. अब बात करता हूं मैं इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है. इक्विटी शेयर कैपिटल, जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है वो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल है. दैट मींस अगर मैं बहुत आसान सी भाषा में कहूं तो कंपनी के शेयर कैपिटल जो आपके लायबिलिटी साइड में दिख रही होती है कंपनी की बैलेंस शीट में, वो दो ही भागों में बटी होती है. सबसे पहला तो वो या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा या फिर वो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा. तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है, इन शॉर्ट इसे मैं कह सकता हूं कि ये ऑनर्स कैपिटल है. दैट मींस दोज हु हैव परचेज द इक्विटी शेयर कैपिटल एक्चुअली परचेज द ऑनरशिप, एक्चुअली परचेज द स्टेक इन द कंपनी. तो इसीलिए जब डिविडेंड बटने की बारी आती है तो सबसे आखिरी में उन्हें डिविडेंड मिलता है. सबका खर्चा, सारे क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के बाद उनको डिविडेंड मिलता है. वहीं जब कंपनी बंद होने वाली होती है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होने वाली होती है, तभी भी उस केस में भी जो पैसा फाइनल बचता है वो उन्हें मिलता है. इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की वेंचर होता है, क्योंकि उस केस में अगर आपको प्रॉफिट होगा तो बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है और अगर आपको लॉस होता है तो बहुत सारा लॉस भी हो सकता है. वहीं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो आपकी एक बहुत ही सेफ किस्म की कैपिटल है, क्योंकि उसमें एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आपके साथ अटैच में होता है और आपको हर साल वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है. मगर इक्विटी के केस में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाली. तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आपके शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में. तो आप जरा आगे चलते हैं और समझते हैं कि कंपनी में जो हम शेयर्स को इशू करते हैं तो कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं. वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहली बात,
कि जब कभी भी आप शेयर्स इशू करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी अथॉरिटी आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर वन, शेयर्स इशू करते वक्त आपका जो कंसेंट, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा होना चाहिए कि आपकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हैं पिछले 3 साल तक। उसके बाद कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अपनी एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में पिछले 3 साल में कोई भी डिफॉल्ट, कोई भी गड़बड़ी ना की हो। दूसरी बात, कंपनी का कोई भी डिफॉल्ट ना हो रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स, रिगार्डिंग पेइंग द इंटरेस्ट। दैट मींस कि कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए, तभी आपको शेयर कैपिटल इशू करने की फैसिलिटी मिलती है। उसके बाद जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनी ने कुछ कानूनों का उल्लंघन नहीं किया हो। कंपनी शुड नॉट हैव वायलेटेड सम ऑफ द एक्ट्स लाइक RBI एक्ट, लाइक SEBI एक्ट, लाइक SCRA, लाइक फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दैट मींस कि कंपनी अगर इन सब चीजों में, इन सब कानूनों में डिफॉल्ट करती है और कंपनी का केस किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चल रहा है पिछले 3 साल से या पिछले 3 साल के दौरान किसी भी साल, तो उस केस में कंपनी शायद शेयर कैपिटल इशू नहीं कर पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। अब जरा हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि अलग अलग किस्म की कैपिटल जो होती हैं वो किस तरीके से होती हैं और वो क्या होती हैं, तो जरा उसको भी देखते हैं। अब जरा शेयर्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कंपनीज एक्ट में शेयर्स को किस बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। कैपिटल को, ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे पहली चीज, जो आपके कैपिटल का सबसे पहला हिस्सा होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल भी होता है और ये वो कैपिटल है जो आपके मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी में ऑथराइज्ड है। ऑथराइज मतलब कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो वो कंपनी इशू कर सकती है या जो अपनी बैलेंस शीट में शो कर सकती है। दैट मींस कि अगर कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपए है जो शो हो रहा है, तो दैट इसका मतलब ये हुआ कि अपनी कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम और ड्यूरिंग इट्स रनिंग कंपनी का जो मैक्सिमम शेयर कैपिटल होगा वो ऑथराइज्ड कैपिटल ही होगा। ध्यान रखना, ऑथराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। और ऑथराइज्ड कैपिटल का जो अमाउंट होता है वो आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA के कैपिटल क्लॉज में मेंशन मिलेगा आपको। उसके बाद अगली चीज है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब है ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी टाइम टू टाइम इशू करती रहती है। दैट मींस कि मान लीजिए मुझे 50 लाख रुपए रेज करने हैं पब्लिक से, तो मैंने 50 लाख के शेयर्स को इशू किया, तो जब मैं 50 लाख के शेयर्स को इशू करूंगा तो वो इशूड कैपिटल कहलाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। ऑथराइज्ड कैपिटल की अगर मैक्सिमम लिमिट है 1 करोड़, तो मैं मैक्सिमम इशूड कैपिटल 1 करोड़ ही कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इशू तो उतना ही करूंगा ना जितना मुझे पैसा रेज करना है, क्योंकि इशू करने के बाद वो कैपिटल मुझे अपनी बैलेंस शीट में शो करनी है और बैलेंस शीट में मैक्सिमम कैपिटल हमेशा कौन सी होगी, वो होगी आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। दैट मींस कि अगर इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल की लिमिट से बाहर है तो वो वैलिड नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। और इसके अंदर वो शेयर कैपिटल इंक्लूड होता है जो इशूड फॉर कैश है, पॉइंट नंबर वन, और वो भी जो अदर देन कैश है। दैट मींस इशूड कैपिटल के अंदर आप दोनों तरीके से शेयर कैपिटल को इशू कर सकते हो। अगर कंसिडरेशन फॉर कैश है तो भी वो शेयर कैपिटल की इशूड कैपिटल की डेफिनेशन में आ जाएगा, अगर वो कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो भी वो इशूड की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले कैपिटल की, जिसका नाम है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपने इशू तो कर दिया शेयर, लेकिन कितने लोगों ने आपका जो शेयर कैपिटल है सब्सक्राइब किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लीजिए कि आपके शेयर कैपिटल में ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, कम 95% लोगों ने या 90% लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। आपने 1 करोड़ की शेयर कैपिटल इशू करी थी, आपके 90 लाख लोगों ने ही, 90 लाख के ही शेयर कैपिटल को खरीदा गया, तो उस केस में जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो सिर्फ 90 लाख रुपए होगी। इशूड कैपिटल तो 1 करोड़ थी, बट उसका 90% ही सब्सक्राइब हुआ। दैट मींस 90% लोगों ने ही उसे खरीदा। सब्सक्राइब्ड का मतलब है कि उसमें से इशू में से कितने लोगों ने उसको खरीदा, कितने परसेंट वो बिका, दैट इज द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल। अगर आप 12th में अकाउंट्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है ये वो पैसा है, ये शेयर का वो हिस्सा है जो कंपनी मंगाती है। दैट मींस मान लीजिए अगर शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो कंपनी हर एक बार में 10 रुपए ना मंगा के कंपनी सोचती है कि भी फर्स्ट लॉट में 5 रुपए मंगा लेते हैं, तो 5 रुपए कंपनी मंगा रही है, 5 रुपए बाद में मंगाएगी, तो वो जो 5 रुपए है उस एक शेयर पे, दैट इज कॉल्ड योर कॉल्ड अप कैपिटल। अब कंपनी ने जब कॉल्ड अप कैपिटल मंगाई तो 5 रुपए में से लोगों ने कितना पे किया, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द पेड अप कैपिटल। दैट मींस कि मैंने 5 रुपए, मैं कंपनी हूं और मैंने 5 रुपए की कैपिटल मंगाई, मगर मुझे पे सिर्फ लोगों ने 4 रुपए किया,
जो एक रुपए था वो अनपेड रह गया, तो पेड अप कैपिटल चार रुपए, अनपेड कैपिटल एक रुपए। अब मैं इस सीरीज को दोबारा से समझाता हूं। सबसे ऊपर ऑथराइज कैपिटल जो मैक्सिमम लिमिट है, उसी के नीचे इशूड कैपिटल जो आप इशू कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप जितना इशू करो लोग उतना सब्सक्राइब करें, उससे कम भी लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब मतलब इतना लोगों ने खरीदा। अब लोगों ने वो शेयर तो खरीद लिया, मगर आप सारा पैसा एक साथ नहीं मंगाना चाहते। 100 रुपए का एक शेयर है, आप चाहते हो कि अभी मैं 60 रुपए मंगाऊं, तो आपने 60 रुपए मंगाया, दैट इज कॉल्ड योर कॉल्ड अप कैपिटल। अब लोगों ने 60 रुपए पे भी नहीं किया ना, लोगों ने पूरे 60 रुपए भी नहीं दिए, लोगों ने सिर्फ 50 रुपए दिए, तो दैट मींस कि 60 रुपए कॉल्ड अप कैपिटल और 50 रुपए पेड अप कैपिटल, और जो 10 रुपए लोगों ने पे नहीं किया, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द अनपेड कैपिटल। तो ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल है। तो जरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब हम शेयर को प्रीमियम पे पार पे इशू करते हैं तो उनके क्या प्रोविजंस होते हैं। वो प्रोविजंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।